गुड मॉर्निंग दोस्तों. और दोस्तों ये मेरा फर्स्ट मॉर्निंग है हनोई में, और अब मैं आया हूँ हॉस्टल के टेरेस पे, जहाँ पर ब्रेकफास्ट हॉस्टल की तरफ से प्रोवाइडेड है सेंट्रल बैकपैकर हॉस्टल हनोई की तरफ से. दोस्तों क्योंकि मुझे अभी वॉकिंग टूर पे निकलना है और ये हाफ डे टूर होगा, ये फ्री टूर है जिसमें एक हमारे साथ गाइड होते हैं, जिसमें हम यहाँ की मार्केट्स, जो लोकल मार्केट्स होती हैं वहाँ जाएंगे, और यहाँ के जो ख़ास टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं इस वॉकिंग टूर में कवर करेंगे. Morning friends, so we are heading for the walking tour, which is 2.5 hours tour. We have a guide with us as well. अब हम लोग दोस्तों देखिए हनोई की गलियां हैं मेरे हॉस्टल के बाहर से, जहां पर से हम लोग जा रहे हैं, और ये अभी हमारा सफ़र यहां से शुरू हो चुका है. वैसे यहां पर ट्रैफिक बहुत ख़राब सिचुएशन है, यहां पर कोई ट्रैफिक रूल नहीं है एज सच, जिसके दिल में जहाँ से आता गाड़ी लेके घुस जाते हैं. तो जब आप यहाँ की सिटी में अगर कहीं फिर भी घूमने निकले तो थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना और अपने सामान का. तो जितने लोग हैं उससे ज़्यादा तो मोटर बाइक्स हैं आप, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन द रोड्स. क्रेजी ट्रैफिक. ये मेरे साथ के कुछ लोग हैं जो टूर पे हैं, ये मेरे साथ चल रहे हैं. योर टर्न यार. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I'll soon be experiencing, because I'm going to Ho Chi Minh now after this. Yeah, I think the streets are wide, but still the traffic is too much. अभी हम लोग हैं ओल्ड क्वार्टर एरिया में. ये देख सकते हैं आप यहाँ की मार्केट है, ये देखिए दुकानें दिखाई दे रही होंगी आपको, ढेर सारी दुकानें हैं, कपड़े दिखाई दिखेंगे, दिखते हुए दिखेंगे आपको. ये देखिए ये सारा है ओल्ड क्वार्टर एरिया यहाँ का हनोई का. Had a mental illness. He thought he was a tiger, so he was running around the palace, scratching people, biting them. You can imagine, that's not the best state of mind to run a country like Vietnam, not to run any country. तो ये है ली क्वॉक सू पगोड़ा. ये काफ़ी ओल्ड एंशंट हेरिटेज साइट है यहाँ की, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पर इस पगोड़ा पे विजिट. ये देख सकते हैं आप. तो दोस्तों अब हम पहुँचे हैं सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल हनोई, जो ओल्ड क्वार्टर एरिया में स्थित है. ये देखिए इसका गेट है, अभी हम लोग अंदर जाते हैं यहाँ से. कैन यू गो इनसाइड? ओके. पपेट हॉल, यहाँ पर वाटर पपेट शो होता है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकते हैं.
Rider, so it's puppets floating on the water. Everything is in Vietnamese. Only about 100,000 dong to get in. It lasts for 45 minutes to an hour. So, yeah. There's one here and there's one on the other side of the way. You go past it, like, somewhere over there. So the two places where the puppet show is held. Yeah. Okay. Anybody interested in seeing the puppet show? Yeah, we're gonna play it by ear. I might, but I can do when you have. Yeah, if you've got time, then maybe then you can come. तो दोस्तों अब हम पहुँचे हैं हनोई के ओल्ड क्वार्टर एरिया की होएन कियेम लेक. ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा. So every now and then Vietnam gets invaded. It was also like this back then. It was invaded by the Mongolians. You made this mess and left me with the pieces. ये यहाँ का ली ताई तो देख सकते हैं आप. ये यहाँ के किंग थे जिन्होंने हनोई को बसाया था. ये उनका स्टैचू है. संडे को यहाँ पर मार्केट लगता है और ये रोड पूरा जो है ट्रैफिक. अभी मैं दिखाता हूँ आपको. ये देखिए ये जो जितना ट्रैफिक मूवमेंट है संडेज़ के दिन शाम को रात तक बंद कर दिया जाता है और हर तरफ यहाँ पर नाइट मार्केट लगता है. रोड पे लोग डांस करते हुए नज़र आएंगे हर वीकेंड्स पे. संडेज़ के दिन आपको ये अलग सा नज़ारा देखने को मिलेगा, मगर उसके लिए आपको दोस्तों रात को आना पड़ेगा क्योंकि रात को यहाँ पर पूरा मार्केट लगता है और लाइटिंग्स होती हैं रोड के ऊपर. I'm gonna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my, I just need to clear my head. दोस्तों ऐसा है कुछ नज़ारा यहाँ के मार्केट का. बहुत बड़ा मार्केट है ये. इसमें गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, कैप्स, ग्लेयर सब कुछ मिल जाएगा. और जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोस्टली जो बिज़नेस चला रही हैं वो महिलाएं ज़्यादा हैं. लेडीज़ ज़्यादा दिखाई देंगी शॉप्स के अंदर. ये देखें आप इसी मॉल के अंदर एक फाउंटेन बना हुआ है. ये देखें ये मॉल के ऊपर का नज़ारा. फर्स्ट और सेकंड दो फ्लोर्स हैं यहाँ पर. एक दोस्तों ये पुराना स्ट्रक्चर है. ये जो है इसको यहाँ के गवर्नमेंट ने इसको गवर्नमेंट बिल्डिंग में कन्वर्ट किया हुआ है. ये काफ़ी हिस्टोरिकल साइट है. मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके बारे में. ये दोस्तों हनोई टूर की बस है वियतनाम साइट सींग. आप अगर चाहें तो ये बस में भी आ सकते हैं, टूर कर सकते हैं. ये भी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की. देखिए कितनी सारी बाइक्स है दोस्तों यहाँ पे. यार रोड पे जब आप लोग चलेंगे तो बड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर कोई स्टॉप नहीं करता है. अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तब भी वो हॉर्न मारते हुए निकल जाएंगे. आपको ध्यान रखना है. ये देखिए रहा प्रेसिडेंशियल पैलेस. आई जस्ट नीड टू क्लियर माय हेड. आई जस्ट नीड टू, आई जस्ट नीड टू क्लियर माय हेड. आई जस्ट नीड टू, आई जस्ट नीड टू क्लियर माय हेड. ये वो सड़क है जहाँ से अब हम लोग यहाँ पर आए हैं चलते हुए. तो इसमें आपको आना है तो इसके टाइमिंग मेंशन किए हुए. विजिटिंग टाइम है 5 बजे सवेरे से रात को 10 बजे के बीच में. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट मुस्लिम के पास कोई इवेंट चल रहा है. ये Oh,
ये है ऑस्ट्रेलियम, ये देखिए ये लिखा हुआ है इस पर ओचिमिन, ये देखिए ये देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं और एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। ये येलो लाइन देख रहे हैं आप, इससे आगे नहीं जा सकते आप। ये काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं देखिए यहाँ पे, ये इसके सामने ये भी बड़ी एक इमारत है, ये भी कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो दोस्तों अभी मैंने लिए है ग्रैब टैक्सी या बाइक, ग्रैब बाइक, और ये प्रेसिडेंट मुस्लिम से मुझे जाना है अपने हॉस्टल। किराया है 17,000 डोंग जो कि लगभग $1 के आसपास होता है। आपने दोस्तों यहाँ पर लोगों से ज़्यादा तो बाइक दिखाई देगी रोड के हर जगह पर, जितने लोग हैं उससे ज़्यादा बाइक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।